मार्वल के ऐसे 5 अमेजिंग फैक्ट्स जिनके बारे में तुम्हें डेफिनेटली मालूम नहीं होगा। तो भाई पहला है कि मार्वल का फर्स्ट सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि द ह्यूमन टॉर्च है। हाँ सही सुना तुमने, मार्वल का पहला सुपर हीरो 1939 में अपीयर हुआ था जिसकी रिलीज होने के बाद उसकी पूरी 800,000 कॉपीज बिकी थी। मार्वल के सुपर हीरो कॉमिक्स के बारे में तुम्हें मालूम ही होगा, पर क्या उसके रोमांटिक कॉमिक्स के बारे में मालूम है? हाँ, 1945 से लेकर 1965 तक मार्वल रोमकॉम वाले कॉमिक्स इशू करता था, और एक ऐसा टाइम भी आया था जब मार्वल ने पूरी तरह से डीसी को खरीद लिया था। तो कुछ सालों पहले डीसी की तंगी चल रही थी, तब वो अपने कैरेक्टर्स को बेच रहा था, तब के मार्वल के एडिटर इन चीफ ने उस ऑफर को रिजेक्ट किया था क्योंकि डीसी के उन कैरेक्टर्स को वो आगे जाकर बेच नहीं सकते थे क्योंकि उनमें ज्यादा पोटेंशियल नहीं था। नंबर 4 है कि 1990s में खुद माइकल जैक्सन ने मार्वल को खरीदने की कोशिश की थी जिससे वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में एक्टिंग करना चाहते थे। ये बर्फा ये है कि वेनम को किसी राइटर ने क्रिएट नहीं किया था बल्कि एक फैन ने क्रिएट किया था 1982 में।